Okay, in this lecture we will see the next part of the बेलन. तो आप यहाँ पे देखिए, ये कोएक्सियल केबल का इनर कंडक्टर है. ये डाइपोल के एक आर्म से कनेक्टेड है. डाइपोल का जो दूसरा आर्म है शील्ड से कनेक्टेड है. कोएक्सियल केबल को हमने यहाँ पे डायरेक्टली किससे कनेक्ट किया है? डाइपोल एंटीना से. यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या दिक्कत आती है? तो देखिए, ये कोएक्सियल केबल का आउटर कंडक्टर है, इसको मैं शील्ड कहता हूँ. शील्ड की दो सरफेसेस होती हैं, देखिए, इनर सरफेस ऑफ द शील्ड और आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड. तो ये जो डैश 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 करके जो लाइन है रेड कलर की, ये क्या है? इनर सरफेस ऑफ द शील्ड है. और ये जो रेड कलर की जो लाइन है वो क्या है? आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड है. तो आप देखें कि यहाँ से जो फॉरवर्ड करंट है किस में कन्वर्ट हुई? डिस्प्लेसमेंट करंट में. दो कंडक्टर के बीच में क्या आया? एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस आया. ये डिस्प्लेसमेंट करंट है. डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब रेडिएशन है. यहाँ से रिटर्न करंट आई. रिटर्न करंट को दो पाथ मिल गए, एक तो इनर सरफेस ऑफ द शील्ड है और एक आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड है. यदि आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड पे करंट फ्लो हो रही है और मान लीजिए यहाँ पे कोई मेटल है, तो क्या होगा? यहाँ से ये करंट किस में कन्वर्ट होगी? ये कौन सी करंट होगी? कंडक्शन करंट होगी. क्यों? क्योंकि कंडक्टर से फ्लो हो रही है. ये किस में कन्वर्ट हो गई? डिस्प्लेसमेंट करंट में. इन दोनों, ये मेटल और ये मेटल के बीच में एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट मिली, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रेडिएशन हो गया. मतलब कुल मिला के बात ये समझ में आई कि कोएक्सियल केबल को डायरेक्टली डाइपोल एंटीना से कनेक्ट करने पर कोएक्सियल केबल क्या हो रही है? रेडिएट कर रही है. तो एक्चुअली में हमें रेडिएशन डाइपोल एंटीना से चाहिए, ना कि कोएक्सियल केबल से चाहिए. और दूसरी बात देखा जाए तो कोएक्सियल केबल एक तरीके का अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है और डाइपोल एंटीना एक तरीके का बैलेंस स्ट्रक्चर है. मतलब कि अनबैलेंस से बैलेंस या कि बैलेंस से अनबैलेंस के बीच में कुछ ना कुछ डिवाइस तो होनी चाहिए, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज बेलन. बेलन को बोलते भी हैं बैलेंस टू अनबैलेंस. तो चलिए इसको और आगे देखते हैं. हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि दो तरीके की करंट होती है. देखिए, ये दोनों करंट कौन सी हैं? डिफरेंशियल मोड करंट हैं. दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. तो डिफरेंशियल मोड करंट ICM, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब कि कॉमन मोड करंट. ये आउटर शील्ड के आउटर सरफेस पे, शील्ड के आउटर सरफेस पे कौन सी करंट फ्लो हो रही थी? कॉमन मोड करंट. और हमने यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला था कि कॉमन मोड करंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएशन फ्रॉम द कोएक्सियल केबल. तो यहाँ पे हमने क्या किया था? एक ट्रिक यूज़ किया था कि ये इनर कंडक्टर है, डाइपोल के आर्म से कनेक्टेड है. ये शील्ड है, बी से एम जो है, बी से एम क्या है? शील्ड का इनर सरफेस है. ई से डी शील्ड का आउटर सरफेस है. सी से डी हमने एक अलग से कंडक्टर लगा के रखा था, ट्रांसमिशन लाइन बोल रहे थे उसे, ये कंडक्टर है. देखिए, डी से सी क्या है? डी से सी एक अलग से वाला कंडक्टर है. ई से डी क्या है? एक तरीके, ये क्या है? आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड है. तो आप देखिए, ये दोनों टर्म, ये दोनों कंडक्टर यहाँ पे शॉर्ट है. ये देखो, दोनों कंडक्टर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई फोर है. ये एक तरीके का ट्रांसमिशन लाइन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये कैसी ट्रांसमिशन लाइन है? शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है जिसका लेंथ λ/4 है. तो इसका हमने कैलकुलेशन भी किया था. वो कैलकुलेशन क्या था? ये देखिए कि एक λ/4 ट्रांसमिशन लाइन है जिसका एक टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड है. तो λ/4 के बाद उसका इम्पीडेंस कितना होगा? इन्फिनिटी होगा. फिर मैंने यहाँ पे ये आपको बताया था कि ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है वो क्या है? इनर कंडक्टर ऑफ दी इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल है, जो कि डाइपोल के एक आर्म से कनेक्टेड है. ये जो डैश डैश करके जो लाइन है, ये क्या है? इनर सरफेस ऑफ द शील्ड है. और ये जो ब्राउन कलर का जो लाइन है, आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड है. और ये जो नीचे वाला रेड कलर का जो लाइन है, वो एक्स्ट्रा जो कंडक्टर लगाया था, ट्रांसमिशन लाइन लगाई थी, वो है, जिसकी लेंथ कितनी थी? λ/4 है. ये क्या है? शॉर्ट सर्किटेड है. शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन λ/4 डिस्टेंस के बाद कितना इम्पीडेंस ऑफर करेगी? इनफाइनाइट इम्पीडेंस.
तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये IF करंट कैसे नेचर का है, कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट में कन्वर्ट हुआ, रिटर्न करंट आई, तो क्या रिटर्न करंट इस पाथ को फॉलो करेगी? क्या नहीं? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि करंट हमेशा किस पाथ को फॉलो करती है? जहाँ पर इम्पीडेंस क्या हो, मिनिमम हो। चलो मान लीजिए करंट यहाँ पे आई, तो करंट को यहाँ पे इम्पीडेंस कितना मिल गया? इनफाइनाइट मिल गया। मतलब करंट की अब मजबूरी हो जाएगी कि वो इनर सरफेस से फ्लो करेगी, आउटर सरफेस से फ्लो नहीं करेगी। और यही मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस से फ्लो करेगी, आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड से फ्लो करेगी, तो ये रेडिएट करने लगेगी। और मैंने यहाँ पर इम्पीडेंस इनफाइनाइट कर लिया इसकी हेल्प से, तो अब करंट आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड पे फ्लो नहीं करेगी। और इस तरीके के बैलून को हम क्या बोलते हैं? बाज़ूका बैलून बोलते हैं। तो चलिए इस दूसरे तरीके का बैलून पढ़ते हैं, फेराइट चोक बैलून। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, किसी भी बैलून की हेल्प से हम कॉमन मोड करंट को चोक करना चाहते हैं। चोक करना मतलब कि उसको रिमूव करना चाहते हैं, उसका इफ़ेक्ट रिड्यूस करना चाहते हैं। तो चलिए, ये आपके सामने एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जब भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे करंट फ्लो होगा तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। देखिए कैसे इसको, इसमें फ्लक्स किस डायरेक्शन पे होगा। जैसे ये जा रहा है, ये करंट है। हमेशा आप क्या देखिए कि ये जो वायर है, ये सेक्शन को क्या बोलते हैं? कोर सेक्शन बोलते हैं। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? कोर सेक्शन बोलते हैं। देखिए ये जो वायर है, वायर ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। करंट की डायरेक्शन पे ये चार फिंगर रख लीजिए, करंट की डायरेक्शन पे ये चार फिंगर रखिए, ये करंट की डायरेक्शन में चार फिंगर रख लीजिए, इसको रैप कर दीजिए ऐसे, तो थंब किधर गया? ऊपर की तरफ। तो मतलब ये फ्लक्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा? फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। इसी तरीके से वायर ऊपर की तरफ से यहाँ पे ऐसा रख दीजिए और इस फिंगर को रैप कर दीजिए, फ्लक्स किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा, इस करंट की वजह से नीचे की तरफ, इस करंट की वजह से ऊपर की तरफ। तो ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। ये हमने देखा। और यहाँ पे जो ICM है वो क्या है? कॉमन मोड करंट है। अभी देखते हैं दोनों चीज़ों को, हम अभी देखते हैं। चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए V है, यहाँ पे V लिख दिया। ये इंडक्टर है, कॉइल है, ये कॉइल बना दिया। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाला क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग है। ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग है। यदि इस वाइंडिंग में करंट फ्लो हुआ तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया तो कुछ फ्लक्स कहाँ से जा रहा है? सेकेंडरी वाइंडिंग से पास हो रहा है। ऐसा फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग से पास हो उसे हम लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन कुछ फ्लक्स यहीं पे है, प्राइमरी वाइंडिंग पर ही है। ऐसा फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग से पास ना हो उसे हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें यदि करंट फ्लो होगी तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अच्छा देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इन दोनों के बीच में। किसकी वजह से? लिंकेज फ्लक्स की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ। चलिए यहाँ पे डॉट लिखा, यहाँ पे डॉट लिखा। तो आपने कभी सर्किट थ्योरी में कभी पढ़ा होगा, डॉट कन्वेंशन पढ़ा होगा कि यदि करंट डॉट की तरफ आए तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस में। यदि करंट डॉट से दूर जाए तो हम नेगेटिव साइन भी लेते हैं। वो अगले केस में हम देखेंगे कैसे नेगेटिव साइन लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे ये करंट डॉट की तरफ आ रही है, ये भी करंट डॉट की तरफ आ रही है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में साइन कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। चलिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे KVL अप्लाई करिए। करंट किस टर्मिनल से इंटर करी? माइनस टर्मिनल से, तो माइनस V। फिर करंट को क्या मिला? ये कॉइल मिली, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना? L। तो L di/dt लिखते थे, LdI/dt। तो यहाँ पे करंट कौन सी फ्लो हो रही है? LdICm/dt लिख देंगे, प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में साइन कैसा आएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि डॉट की तरफ दोनों करंट आ रहे हैं, डॉट की तरफ दोनों करंट आ रहे हैं, तो प्लस साइन के साथ M लिख लिया, M लिखा। और करंट कौन सी वाली लिखते हैं? ये वाली करंट नहीं लिखेंगे, ये वाली करंट लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे I1 होता और यहाँ पे I2 होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? MdI2/dt लिखता। इसमें कौन सी करंट? मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये मान लीजिए ये इंडक्टर है, ये कॉइल है पहला, ये कॉइल दूसरा है, ये मान लीजिए I1 है,
ये मान लीजिए क्या है, आई टू है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एम तो लिखते और डी बाई डी टी लिखते, करंट किसकी लिखते, ये वाली आई टू वाली लिखते। तो हालांकि यहाँ पे दोनों दोनों करंट मैंने आई सी एम माना है, तो डी आई सी एम बाई डी टी लिखूँगा। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे करंट किस टर्मिनल से इंटर करी, माइनस वी, फिर करंट को क्या मिला, ये इंडक्टर मिला या कॉइल मिला, तो क्या लिखेंगे, एल डी आई सी एम बाई डी टी, दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, प्लस। प्लस साइन क्यों लिया, क्योंकि दोनों डॉट की तरफ दोनों करंट आ रहे हैं, तो प्लस एम डी आई डी बाई डी टी आई सी एम, ये वाली आई सी एम लिख लिया, इजिकल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस डोमेन पे है, टाइम डोमेन पे है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे कन्वर्ट करने के लिए डी बाई डी टी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, जे ओमेगा से। तो डी बाई डी टी को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस वी प्लस जे ओमेगा एल आई सी एम प्लस जे ओमेगा एम आई सी एम इजिकल टू जीरो। तो अपन ने क्या किया, वोल्टेज अपॉन आई सी एम का रेशियो लिया, इजिकल टू जे ओमेगा ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस एम इजिकल टू जेड सी एम। ये हमने क्या निकाल लिया, इम्पीडेंस निकाल लिया, क्या निकाल लिया, इम्पीडेंस निकाल लिया। अच्छा चलिए दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये कॉइल है, ये कॉइल है, यहाँ पे करंट इंटर कर रही है डॉट की तरफ और ये वाली करंट लीव कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल मोड करंट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी केवीएल अप्लाई करते हैं, करंट किस टर्मिनल से इंटर करी, माइनस वी, फिर करंट को क्या मिला, ये कॉइल मिली, तो एल डी आई डी एम बाई डी टी, आई डी एम का मतलब क्या है, डिफरेंशियल मोड करंट, आई डी एम बाई डी टी। अच्छा सोच के देखिए, दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, बिल्कुल होगा, दोनों में इस बार ये वाली करंट डॉट की तरफ आ रही है, ये वाली करंट डॉट से दूर जा रही है, तो साइन कैसा आएगा, एम माइनस का साइन आएगा, माइनस एम डी आई एम बाई डी टी इजिकल टू जीरो। ये इक्वेशन किस डोमेन पे है, टाइम डोमेन पे, तो डी बाई डी टी को किससे रिप्लेस करिए, जे ओमेगा से, तो माइनस वी प्लस जे ओमेगा प्लस एल जे ओमेगा डी आई एम सॉरी आई डी एम माइनस एम जे ओमेगा आई डी एम इजिकल टू जीरो। तो वी बाई आई डी एम कितना आया, जे ओमेगा एल माइनस एम। मान लीजिए एल इक्वल्स टू एम हो, एल इक्वल्स टू एम हो, तो जेड डी एम क्या होगा, इम्पीडेंस फॉर डिफरेंशियल मोड करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको क्या बात समझ में आई, इस केस में इम्पीडेंस कितना आ रहा है, डिफरेंशियल मोड के केस में, डिफरेंशियल मोड के केस में इम्पीडेंस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यदि करंट को मिनिमम इम्पीडेंस पाथ मिलेगा, यदि करंट को मिनिमम इम्पीडेंस पाथ मिलेगा तो करंट फ्लो होगी। कॉमन मोड के केस में क्या हो रहा था, कॉमन मोड के केस में इम्पीडेंस कैसा मिल रहा था, इम्पीडेंस कितना मिल रहा था, एल प्लस एम। मान लीजिए एल और एम बराबर हो, ये देखिए कॉमन मोड के केस में ऐसा मिल रहा था अपने को, और एल इक्वल्स टू एम लें तो यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो क्या बात समझ में आया कि कॉमन मोड करंट के लिए, कॉमन मोड करंट के लिए इम्पीडेंस ज़्यादा दिख रहा है और डिफरेंशियल मोड करंट के लिए इम्पीडेंस कम दिख रहा है। तो आप सोच के देखिए कौन सी करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी होगी, सोचिए आप। तो मैं कहता हूँ कि डिफरेंशियल मोड करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसको इसको इम्पीडेंस कम दिख रहा है और इस वाले को इम्पीडेंस ज़्यादा दिख रहा है। तो जिस जब ज़्यादा इम्पीडेंस दिखेगा तो वो वाली करंट कम से कम फ्लो होगी, और डिफरेंशियल मोड करंट ज़्यादा फ्लो होगी, क्यों, क्योंकि उसको इम्पीडेंस कम दिखाई दे रहा है। तो इसी कंसेप्ट का हम किस में यूज़ करते हैं, फेराइट चोक बलून में हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये आपके पास कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल का इनर कंडक्टर है, ये यहाँ पे कनेक्ट किया, एक एक वाइंडिंग से कनेक्ट किया, शील्ड को दूसरी वाइंडिंग से कनेक्ट किया, ये शील्ड है, ये क्या है, शील्ड है। सोच के देखिए IR और IF कैसी करंट होगी, IR और IF डिफरेंशियल मोड करंट होगी, क्यों डिफरेंशियल मोड करंट होगी, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, अपोजिट है, तो ये कौन सी करंट होगी, डिफरेंशियल मोड करंट होगी। ICM और ICM दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों कौन सी होगी, कॉमन मोड करंट होगी। आप इसमें एक टर्मिनल लिख लीजिए ए ए डैश बी बी डैश, यहाँ से डाइपोल का एक आर्म कनेक्ट करिए, यहाँ से डाइपोल का एक आर्म कनेक्ट करिए,
इसको ऐसा करिए, थोड़ा सा घुमा लीजिए, ऐसा घुमा लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ए पॉइंट घूमने के बाद इसको ऐसा रोटेट कर लीजिए, तो ए ए डैश यहाँ दिखेगा, और ये घूमने के बाद बी बी डैश यहाँ पे दिखेगा, बी बी डैश। देखिए आई सी एम करेंट ए की तरफ आ रही थी, आई सी एम करेंट ए की तरफ आ रही है, आई सी एम करेंट बी की तरफ आ रही थी, आई सी एम करेंट बी की तरफ आ रही है, बिल्कुल वैसा ही बनाया। अब सोच के देखिए, ये वाला केस मिल गया क्या, ये वाले केस और इस वाले केस में, दोनों में कंपैरिजन करिए, इन दोनों केस में कंपैरिजन करिए, इन दोनों केस में थोड़ा सा कंपैरिजन करिए, इस वाले केस में और इस वाले केस में। देखिए ये बिल्कुल वैसा, ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सोच के देखिए ये कौन सी करंट है, कॉमन मोड करंट है। तो कॉमन मोड करंट के केस में इम्पीडेंस कितना आ रहा था, हाई आ रहा था, इम्पीडेंस क्या और आ रहा था, हाई आ रहा था। अच्छा चलिए डिफरेंशियल मोड के लिए देखिए, इसको ऐसा रोटेट किया था बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ए ए ए डैश यहाँ पर हो जाएगा, इसको यदि मैं ऐसा रोटेट कर दूंगा तो ए ए डैश यहाँ हो जाएगा, इसको रोटेट किया है तो बी बी डैश यहाँ पे मिलेगा। अच्छा देखिए आई एफ करंट किसकी तरफ आ रही थी, बी की तरफ, तो देखिए मैंने आई एफ करंट बी की तरफ बनाया, और ये जो आई आर करंट है ए से दूर जा रहा है, आई आर करंट ए से दूर जा रहा है। तो देखिए ये दूसरा केस है क्या, देखिए आप अच्छे से, ये दूसरा केस है क्या, एक में करंट पास में आ रही थी, दूसरे में करंट एक दूर जा रही थी, ये दूसरा केस है कि नहीं, मतलब ये बात पक्की है, ये बात पक्की है, ये कौन सा केस है, डिफरेंशियल मोड करंट वाला केस है, और ये कौन सा केस है, कॉमन मोड करंट वाला केस है। इसमें जो जेड अपने को मिल रहा था, इम्पीडेंस क्या मिल रहा था, जेड कॉमन मोड करंट के केस में जे ओमेगा एल प्लस एम मिल रहा था, इस केस में क्या मिल रहा था, जेड डी एम, डिफरेंशियल मोड के केस में जे ओमेगा एल माइनस एम मिल रहा था। यदि सपोज दैट एल इक्वल्स टू एम है, मैंने क्या मान लिया, एल इक्वल्स टू एम यदि एज्यूम कर लिया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, टू जे ओमेगा एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि डिफरेंशियल मोड करंट को कितना इम्पीडेंस दिखा, जीरो इम्पीडेंस दिखा, कॉमन मोड करंट को कितना इम्पीडेंस दिखा, हाई इम्पीडेंस दिखा। तो ये जो डिवाइस है किसको फ्लो होने के लिए फ्लो करने देगी, मेरा सवाल ये है कि ये जो डिवाइस है कौन से करंट को फ्लो करने देगी, डिफरेंशियल मोड करंट को कि कॉमन मोड करंट को। तो मेरा जवाब है ये जो डिवाइस है डिफरेंशियल मोड करंट को फ्लो करने देगी, और कॉमन मोड करंट को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो मैं बेसिकली यही चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा जो डाइपोल है किस करंट मोड पे वर्क करता है, डिफरेंशियल करंट मोड पे वर्क करता है, और मैंने इस डिवाइस की हेल्प से कॉमन मोड करंट को क्या कर लिया, ब्लॉक कर लिया, कॉमन मोड करंट को ब्लॉक कर लिया। तो बेसिकली मैंने कॉमन मोड करंट को चोक कर दिया, कैसे चोक किया, उसका इम्पीडेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया किसी कदर। यदि इस केस में मैंने क्या किया कि कॉमन मोड करंट के लिए इम्पीडेंस को इनक्रीज करा लिया, जिससे कॉमन मोड करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई और डिफरेंशियल मोड करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। आप देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये क्या कहलाता है, कोर सेक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ये यहाँ से करंट आया, जब करंट किसी कॉइल से फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। यहाँ से करंट आई, फ्लक्स बना ऊपर की डायरेक्शन पे, यहाँ से करंट आई, फ्लक्स बना नीचे की डायरेक्शन पे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाया। आई सी एम कौन सी करंट है, दोनों कॉमन मोड करंट है। आप देखिए यहाँ पे दोनों डॉट हैं, दोनों करंट डॉट की तरफ आ रही है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में साइन किसका लेंगे, पॉजिटिव का लेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, माइनस का भी यहाँ से, चलिए माइनस का भी, फिर क्या लिखेंगे, एल एल डी आई सी एम बाई डी टी, प्लस प्लस साइन क्यों लिया, दोनों डॉट की तरफ आ रही हैं करंट,
तो प्लस एम डी आई सी एम बाई डी टी। अच्छा ये किस, ये जो इक्वेशन है किस डोमेन पे है, टाइम डोमेन पे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं, डी बाई डी टी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, जे ओमेगा से। और यहाँ से वी बाई आई सी एम निकाला तो जे ओमेगा एल प्लस एम इज इक्वल टू जेड सी एम, मतलब कॉमन मोड, कॉमन मोड करंट के लिए ये इम्पीडेंस है। अच्छा ये यहाँ से इस वाइंडिंग से निकला फ्लक्स और इससे भी पास हुआ, ऐसे फ्लक्स को क्या बोलते हैं, लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं। और ऐसा फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग पर ही रह जाए उसे हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। तो फिर दूसरा केस मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए कि आपको दूसरा केस कुछ ऐसा बताया था, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये वाला करंट आई डी एम, इसको डिफरेंशियल मोड करंट बोलते हैं, ये डॉट की तरफ आ रहा है और एक डॉट से दूर जा रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन कैसे लेंगे, माइनस का लेंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस का भी प्लस एल डी आई डी एम बाई डी टी माइनस डी आई डी एम बाई डी टी। इक्वेशन टाइम डोमेन पर है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डी बाई डी टी को जे ओमेगा से कन्वर्ट कर दीजिए तो वी बाई आई डी एम क्या आया, जे ओमेगा एल माइनस एम। मान लीजिए एल इक्वल्स टू एम है तो जेड डी एम, मतलब कि इम्पीडेंस डिफरेंशियल मोड करेंट के लिए क्या मिला, जीरो मिला। और कॉमन मोड करंट के लिए इम्पीडेंस मुझे क्या मिला, हाई मिला। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया। लास्ट जो मैंने बताया था क्या, कि ये फेराइट चोक जो बलून है इसका एक वाइंडिंग किससे कनेक्ट किया, कोएक्सियल केबल के इनर कंडक्टर से, और एक वाइंडिंग का जो वायर है कहाँ से कनेक्ट किया, शील्ड से कनेक्ट किया। यहाँ ए ए डैश पॉइंट रख दिया, यहाँ बी बी डैश पॉइंट रख दिया, समझने के लिए इसको रोटेट करा लिया। ये कौन सा केस होगा, कॉमन मोड करंट वाला केस होगा। इस केस में सोच के देखिए इम्पीडेंस ज़्यादा मिला, और इस ये डिफरेंशियल मोड करंट वाला केस है, इसमें इम्पीडेंस क्या मिला, जीरो मिला। तो मैंने यहाँ से एक कंक्लूज़न ये निकाला कि कॉमन मोड करंट के लिए ये इम्पीडेंस ज़्यादा दिखा रहा है और डिफरेंशियल मोड करंट के लिए इम्पीडेंस मिनिमम दिखा रहा है। तो सोच के देखिए कौन सा करंट को फ्लो होने को अलाउ करेगा ये डिवाइस, डिफरेंशियल मोड करंट को कि कॉमन मोड करंट को। तो मेरा जवाब है डिफरेंशियल मोड करंट को ये फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए तो ये जीरो इम्पीडेंस दिखा रहा है, और कॉमन मोड करंट के लिए इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा कर दिया तो उसको फ्लो नहीं होने देगा, और यही मैं चाहता हूँ। क्यों, कॉमन मोड करंट यदि ब्लॉक हो गई तो यहाँ से सिर्फ करंट कौन सी पास होगी, डिफरेंशियल मोड करंट, और ये डिफरेंशियल मोड करंट किस पे जाएगी, अपने डाइपोल पे जाएगी। तो इस तरीके से हम बैलून का कंसेप्ट समझ सकते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।